देखा, हमेशा मुझ पर सवाल आता है कि यार एंटीबायोटिक का वो क्यों नहीं है चार्ट। एंटीबायोटिक का चार्ट नहीं होता, एंटीबायोटिक हम टाइम टू टाइम डिसाइड करते हैं हमने कौन सी देनी है क्या देना है। मल्टीविटामिन्स भी टाइम टू टाइम डिसाइड। इससे पाइप पूरा का पूरा अपने मुंह में ले लिया, और मैं अगर आपको बताऊँ ना, मेरे हाथ के नीचे पाइप मुझे महसूस हो रहा है। सबसे अच्छा तोता भाई हमारा ये है, सबसे फ्रेश, सबसे हेल्दी, सबसे एक्टिव। की अपडेट, माल की क्या अपडेट है, किस साइज़ का माल दिया है? बेसिकली मिक्स माल दिया है, और थोड़े से ब्लैक छोटे चूहे हैं, थोड़े से बड़े दिए हैं। ये मुर्गे साइज़ में फुल साइज़ हो गए, ये दिए थोड़े से। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड आज की। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ होंगे। तो भाई आज की जो वीडियो है ना, इसके अंदर आपको कुछ अपडेट्स दिखाएंगे हम। आ जाओ बाहर, आ जाओ बिल्कुल इधर। इतनी प्यारी फीमेल यार, सच में सबसे खूबसूरत फीमेल थी हमारी ये। इसने बाल नोच नोच के ना अपना बेड़ा गर्क कर लिया। खैर तो अब ये है जैरिन, बच्चों के लिए किया हुआ। अभी मैंने इसके बच्चे चेक करे, माशाल्लाह से चार बच्चे हैं। और सबसे कमाल की बात तो ये है भाई, मैंने अभी खोल के चेक किया था, मैंने वीडियो नहीं बनाई जल्दी जल्दी में। सबसे कमाल की बात ये है, एक ब्राउन है, दो ब्लैक है और एक वाइट है। तो अब देखते हैं माशाल्लाह से कैसे बच्चे निकलेंगे। आज तो माशाल्लाह से उनको चार दिन हो गए, मैंने खोल के चेक किया है। अल्लाह ना करे कि कोई मसला आया हो इनको और ये कोई नाराज़गी शो करे हमें, पर मेरे हिसाब से जो है ना बेहतरीन काम हो गया। क्योंकि अब जो है ना यार, ये एक बच्चे भी सर्वाइव करेगा ना, कम से कम सुकून हो जाएगा कि पलते किस तरीके से। वरना मुझे लग रहा था पर्सनली कि यार मैं तो सही तरीके से इनको पाल नहीं रहा। बाकी ये बताओ तोतों की अपडेट कैसी लगी कल की वीडियो में आपको, और फिर उसके बाद जो है ना आपको तोतों की भी अपडेट देते हैं। कल हमने इनको गाजर खाने में दी थी, और इसी वजह से दी थी कि माशाल्लाह से इनके बच्चे इस दफ़ा सर्वाइव करते जा रहे हैं। जबकि सबसे यंग फीमेल है, कमाल की बात तो ये है, जो एजिड है ना उनके बच्चे सर्वाइव नहीं करे, इसके कर गए माशाल्लाह से। खैर अच्छी बात है ये भी कि माशाल्लाह से बच्चे सर्वाइव कर रहे हैं, अच्छा है, मुनासिब है। अगर इस तरीके से चलता रहा तो फिर और अच्छा हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है ना। अभी चलते हैं, आपको लाते नहीं मारो, देखो अरे लात मारती है, हाथ फाड़ दे समझ लिया आपका। अच्छा जी अभी चलते हैं मुर्गियों के पास, और मुर्गियों का काम क्या है, इनको फीड डालनी है जल्दी से। फीड डालने के बाद इनको मैंने सेल आउट करना है, तो ये सारे के सारे काम जो है ना आज के ही टाइम पे करने हैं। और इफ्तारी के अंदर अभी मेरे पास टाइम कम है, तकरीबन पौन घंटा है, एक घंटा है बेसिकली, लेकिन एक घंटा भी नहीं, एक घंटा भी नहीं, पूरा एग्जैक्टली एक घंटा है। हाँ, और मसला सारा ये है कि जो है ना रोडों पर इतना ज़्यादा रश हो जाता है माल भरने के बाद, तो इसलिए मैंने माल डिलीवर करना है थोड़ा सा, तो वो सारा काम निपटाते हैं जल्दी से, बाकी चीज़ों को देखते हैं। अभी आपको दिखाते हैं कबूतर हमारे घर के सामने एज यूजल पले हुए, बहुत खूबसूरत कबूतर हैं यार ये, जिन भाई ने पाले हुए ना अच्छे लगते हैं बड़े। अभी ये खोल के रख देंगे, शाम में इनकी पूरी की पूरी फैमिली उठकर ऊपर आ जाएगी, ये वाले कबूतरों के पास ही बैठे रहेंगे बहुत देर तक। कभी कभी लेडीज़ भी आ जाती है इनके घर की, लेकिन जो ना एक बात बता रहा हूँ, खाली मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको कि पूरी की पूरी फैमिली जो ना उठ के आई हुई होती है, बच्चे आए हुए होते हैं, बड़े आए हुए होते हैं, बड़ा जो ना अच्छा लगता है कबूतर खुले हुए। मेरा बचपन से दिल था कबूतर पालने का, मेरी अम्मा ने मुझे पालने नहीं दिया। खैर छोड़े, अब मुर्गियाँ पाल रहे तो चले, अगर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह कबूतर ही पालेंगे। और आप लोग बताओ पालने चाहिए नहीं चाहिए। अभी हम चलते हैं आगे, खाना रख दिया हमने, खाना खा लो जाके। अब जरा जरा से आप मुर्गियों की अपडेट देते हैं भाई। जैसे मैंने आपको बताया था कि इनको मैंने आज सेल आउट करना है, और इनको नहीं करना है बेसिकली, मिस्री बर्ड्स को करना है। और उससे पहले थोड़ी सी इनको फीड डाल देंगे, ताकि जल्दी जल्दी इनको पकड़ के शिफ्ट करना शुरू करें। इनको लास्ट में फीड डालूंगा, क्योंकि इनके जो है मैंने एग्स कलेक्ट करने हैं। ये देख रहे हो आप, वो कहाँ गया उड़ता हुआ, अच्छे खासे बड़े हो गए साइज़ के अंदर ये दोनों, माशाल्लाह से अच्छे खासे जिसे कहते हैं, थोड़े बहुत नहीं रहे, अब ये फुल साइज़ हो चुके हैं समझ लें। तो फिर डालते हैं जल्दी जल्दी से इनको, और उसके बाद जो है ना आपको आगे की अपडेट देते हैं। अच्छा भाई क्या कहते हैं, इनको जो फीड दिए ना हमने, वो तकरीबन दे रहा हूँ तकरीबन 14 के 15 केजी के करीब। और मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी हम लोग एक सीरीज़ शुरू करेंगे, हर वीडियो के अंदर एक पार्ट डालेंगे जिसमें किसी ना किसी की गलती डालेंगे, ऐड करेंगे। और गलती ऐड करने का रीज़न सारा ये होगा कि ताकि दूसरों की इसलाह हो सके, उनको पता लग सके कि किस तरीके से फार्मिंग में बच सकते हैं। पर इस वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, मैंने तकरीबन 3 से 4 केस ऐसे करे हैं रिकॉर्ड जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और जिसमें नुकसान कम नहीं अच्छा खासा हुआ है। तो यानी कि हुआ है, बहरहाल नुकसान हुआ है, इतनी मेहनत के बाद टाइम भी ज़ाया हुआ, पैसे भी ज़ाया हुए। तो इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में दिखाते हैं। प्लेट तो उठा के लिया है ऊपर हम क्रेन के थ्रू, और अब जो काम है उनको जल्दी से पकड़ के डाल के और सेल आउट करना है। ज़्यादा माल नहीं करना, कम ही करना है, लेकिन जाहिर से बात है टाइम तो लगेगा ना, तो बस जल्दी जल्दी से इनको भरते हैं, और उसके बाद आपको आगे की अपडेट देते हैं ज़रा जल्दी से इनकी, ठीक है। सारे काम करने हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है। मैंने आपको बताया ना इसे कितना खूबसूरत कलर है यार, मुर्गी का देख रहे हो माशाल्लाह से, कितनी खूबसूरत कलर के अंदर है। भागना नहीं, रुक जाओ, वीडियो बनने तो फिर चले जाना। अच्छा देख रहे हो माशाल्लाह से पूरी की पूरी इतना लेयर लग रही है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊँ ना, मुर्गी तो देखिए सारी खूबसूरत होती है, ये कलर देखें, लेकिन ये हमारे जो ब्रॉयलर है ना माशाल्लाह से, ये हो गए तकरीबन 2.5 महीने के होने वाले हैं। ये एज इनकी थोड़ी सी और बड़ी हो गई है, एग्जीबिशन से पहले के थे, और एग्जीबिशन है हमारी 14 फेब को, ये तकरीबन 15-16 दिन के थे। तो आज फरवरी, मार्च, अप्रैल,
अप्रैल शुरू हो गया है, ऑलमोस्ट 2 महीने से ऊपर के हो गए। देखते हैं माशाल्लाह से कब तक ये सर्वाइव करते हैं। ये जो है ना छोटा वाला, इसको बस निकालना है, बाकी ये दो तो बिल्कुल। अच्छा भाई, माल जो है मैंने आपको बताया कि बहुत कम दिया, ज़्यादा नहीं दिया मेरे हिसाब से। जब मैंने लास्ट में कैलकुलेट करा तो 12.5 kg बने, तो उसकी वजह ये ना कि रमज़ान है तो स्लो स्लो चलेंगे, वो ज़्यादा मुनासिब है। वो भी भाई दुकान वाला मिन्नतें कर रहा था, तो हमने कहा चलो दे देते हैं, अल्लाह मालिक है, देखी जाएगी। पैसे नहीं मिले, पुराने पैसे मिले नहीं, नया माल दे दो, लेकिन क्या चलो खैर देखते हैं, अभी रमज़ान है ना, अभी जाने देते हैं, रमज़ान के बाद इंशाल्लाह पकड़ेंगे। फिर मेरे पास अच्छे खासे मुर्गे भी हैं, तो मैंने कहा चलो इस बहाने को थोड़े से मुर्गे भी निकल जाएंगे और तो ना काम भी चल जाएगा। तो आधा माल ये डाल दूँगा, आधा माल मैं वो डाल दूँगा भाई। ये भल्ली है, क्या नाम है इसका, माल भल्ली है। और आपको ज़रा माल की अपडेट दिखाते हैं ज़रा करीब करके, एक मिनट ज़रा ये ऊपर हो जाए एक दफ़ा पूरा। हाँ जी, अब सही है, अब दिखाते हैं आपको ज़रा माल की अपडेट। माल की क्या अपडेट है, किस साइज़ का माल दिया है, बेसिकली मिक्स माल दिया है, और थोड़े से ब्लैक छोटे चूहे हैं, थोड़े से बड़े दिए हैं। ये मुर्गे साइज़ में फुल साइज़ हो गए, ये दिए हैं थोड़े से, और बाकी थोड़े से जो ना ये छोटे काले वाले दिए हैं, काले फुल डार्क जो है ना, क्योंकि मिला के चलेंगे तो चल जाएगा, काम भी बन जाएगा, और जिसे कहते हैं ना एक धक्का भी लग जाएगा। देख रहे हो फुल काले, हमारी एरिया में एक बंदा है उसको काले बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं काम जो कर रहा हूँ ना फिलहाल एक ही बंदे से कर रहा हूँ, ज़्यादा लोगों से कर नहीं रहा। उसकी वजह पता ही क्या है, उसकी वजह यह है कि यार फिलहाल जो है ना आपका भाई बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, कॉन्टेंट क्रिएशन भी कर रहा है, थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर लेता है, उसके अलावा फार्मिंग भी कर रहा है। तो अब जो है ना बजाय फार्मिंग को बढ़ाने के हम दूसरी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, और उसका हमने स्टार्टिंग ले लिया माशाल्लाह से। हमने पहली चीज़ जो डाली है वो आपके सामने क्या डाली है, कल तोते डाले हैं, और इंशाल्लाह ताला यार आजकल में जरा माइक भी बाय करना है मैंने, तो जैसे टाइम मिलेगा माइक भी खरीद के ले आएंगे, कि ज़रा शोर जो है ना वो कम आए, रोड का शोर, चूज़ों का शोर बहुत ज़्यादा आता है। और उसके अलावा वो जो फैज़ भाई वाली वीडियो थी, मैंने आपको बताया था कि फैज़ भाई वाली जो, देखो अंकल वहाँ से आ रहे हैं, अंकल हमें तो ना देखते हुए जा रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, इतनी ऊपर से अंकल की नज़र जो ना इसी पर ही है, केक रेट उतर रहे हैं। तो इस चक्कर में आप जो ना कुछ चीज़ें कैलकुलेट करके इंशाल्लाह ताला आपको दिखाते हैं, और उसके बाद आपको अपडेट देते हैं क्या क्या प्लान है। प्लान कुछ नए हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ शायद थोड़े से बुरे लगे आपको, लेकिन इंशाल्लाह ताला प्लान अच्छे अच्छे हैं। बाकी एक दोस्त, मैं बाद में बात करता हूँ, पहले माल डिलीवर करते हैं उसके बाद बात करते हैं। अच्छा भाई, अब आ गए तोतों के पास, और मैंने आपको दिखाया था कि भाई तोतों को जो ना मैंने नए बॉक्स में शिफ्ट करना था, तो ये है इनका नया बॉक्स और साफ़ सुथरा है, इसका ढक्कन भी थोड़ी देर में मैं लगा दूंगा ताकि ये हवा से बचते रहें। और लास्ट वीडियो में हमसे एक बंदे ने पूछा था, और मैं एक दफ़ा दिखाना वो जो हमारे पास वो पड़ा हुआ है उसका जो ब्रीडिंग फॉर्मूले का पैकेट है वो दिखाओ ज़रा भाई, उस कार्टन में रखा हुआ था मैंने काफ़ी टाइम से, और अब ये वैसे ये यही दो, यही दो वो जो ब्रीडिंग फॉर्मूला है वो दिखाओ ज़रा। अच्छा भाई भाई यही फॉर्मूला था लास्ट टाइम, मैंने एक दफ़ा दोबारा दिखा दूँ, उसको बनाने का तरीका कार इसी पर लिखा हुआ है कि वन पार्ट जो है वो उसका है जो उसका फीट का है मिस्टर वीक की, और जो 6 पार्ट हैं वो वाटर के रख दे बेटा इसको, नहीं चाहिए, मैं वैसे ही बता रहा था आपको। तो इवन 6 पार्ट जो है ना ये इसके फीट के, तो एज के हिसाब से ये सारे के सारे रखे हुए हैं। बनाना बहुत सिंपल है, आपने पानी लेना है थोड़ा सा गर्म, और उसके अंदर इसके 1 से 2 चम्मच डाल देने हैं ताकि हल्के से जो ना वो हो जाए, रेडी हो जाए, ठीक है। अच्छा एक मज़ेदार सी चीज़ दिखानी थी मैंने आपको, और वो ये दिखानी थी कि इनको मैं जैसी एक तोता है ना इसमें वो बड़े तरीके से फीट खाता है, मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा कैसे। अच्छा लास्ट वीडियो में से पहले एक बात बता दूँ, लास्ट वीडियो में एक बंदे ने मुझे कहा था कि भैया फीट को जो ना ज़्यादा पतला कर दिया, तो हमने फीट को थोड़ा सा मोटा कर दिया। उसके अलावा एक बंदे ने गिव अवे का कहा था, तो भाई फिलहाल तो तोते का गिव अवे नहीं कर रहे हम, लेकिन अगर आप लोग कहते हो तो सोच लेंगे किसमें से किसी एक प्यारे से बच्चे को लेते हैं और उसका गिव अवे कर देंगे हम। अगर आप लोग कहते हो, सोचते हैं, हम लोग फिर डिसाइड करते हैं कि करना भी या नहीं करना, ठीक है। तो जल्दी जल्दी सब इनको डालते हैं फीड इनकी आज की, और उसके बाद आज की वीडियो कर देते हैं, बल्कि नहीं दूसरे पार्ट पर चलते हैं, क्योंकि उन चूज़ों की अपडेट भी तो देनी है ना आज, तो पहले ये वाला काम करते हैं, ठीक है। ये देख रहे हो माशाल्लाह से सारे चूज़े भी बड़े हेल्दी हैं, चूज़े कह रहा हूँ सॉरी, सारे तोते के बच्चे। अच्छा भाई फीडिंग का तरीका बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपको पहले भी हमने बताया था, कुछ भी नहीं करना आपने, करना क्या है बेसिकली हल्की सी फीड भरनी है इनकी, इनकी सिरिंज के अंदर, और मैं जो दे रहा हूँ पर तोता तकरीबन 15-20 ml दे रहा हूँ। और अभी दिखाते हैं आपको एक तोता हमारा, वैसे आ रहा है पूरे कैमरे में। अच्छा इसके साथ सबसे अच्छी चीज़ है सबके मुंह में पाइप डालना जब पड़ता है, जबकि इसका सीन पता है क्या है, इसके मुंह पे सिर्फ पाइप को लगाओ और ये पाइप खुद ही अपने जरा मुंह के अंदर ले जाता है। ओए बिस्सी करा दी, चलो चलो चलो, ये देखें इसने पाइप पूरा का पूरा अपने मुंह में ले लिया, और मगर आपको बताऊँ ना मेरे हाथ पे नीचे पाइप मुझे महसूस हो रहा है। सबसे अच्छा तोता भाई हमारा ये, सबसे फ्रेश, सबसे हेल्दी, सबसे एक्टिव, ये पूरा का पूरा पाइप अपने मुँह में ले गया, बाकी होकर डालना पड़ता है, ये अच्छा खासा पाइप जो ना अंदर ले जाता है, उसको भी फील आ रही है इसकी आज की। इसके बाद बाकी को एक एक करके डालते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ बाकी को डालना कितना मुश्किल काम है। चलो बस बहुत है बेटा, और खाओगे, चलो थोड़ी सी और डाल देते हैं, ये देखें थोड़ी सी हमें गाड़ी भी कर दी, थोड़ी सी और भी डाल दी, अभी चुप हो गए,
ये माशाल्लाह से बच्चा बड़ा ही प्यारा है यार। अब आती है दूसरे बच्चों की बारी भाई। मुश्किल से जो टोटल टाइम लगता है ना इनको खाना खिलाने में, वो लगता है 4 मिनट बस। 4 मिनट के अंदर आप आराम से इनको खाना खिला सकते हो। मुझे लगता था पर्सनली यार आधा घंटा लग जाएगा। और जो कुछ बच्चे आप देख रहे हो ना, ये आराम से नहीं खाते, तो इसमें हम करते गए सिंपली कि एक बच्चा इसको पकड़ ले, घर का कोई भी बच्चा मैं ले लेता हूँ और वो दबाता रहता है, मैं इसका पाइप देना तोते का मुँह में डाल देता हूँ। तो भी हमारे घर के बच्चे भी हमारे जैसे, इतना कोई इशू नहीं बनता, आराम से जो ना वो देख भी लेते हैं और काम भी हो जाता है। यानी घिन विन वाला इस हिसाब जो ना हमारे घर के बच्चों का नहीं है, बिल्कुल मेरे ही जैसे समझ ले हमारे घर के बच्चे। तो चले आपको आगे के अपडेट दिखाते हैं। अच्छा जी भाई, इनको हमने शरीफ से बच्चों को खाना खिला दिया अच्छे से और माशाल्लाह से देख रहे हो कितने ज़्यादा हेल्दी हैं। एक बंदा हमसे पूछ रहा था कि तोतों के, बेसिकली भाई साहब ने पर्सनल में मैसेज किया था कि तोतों के हेल्थ कैसे चेक की जाती है। लेकिन दो तरीके होते हैं, मेल फीमेल चेक करने का जो तुक्का होता है ना, वो इस तरीके से होता है कि चोंचे की, तोते की चोंच का कलर देखा जाता है। कोई कहता है डार्क रेड होना चाहिए, कोई कहता है लाइट रेड होना चाहिए, और एक सर देखा जाता है कि सर जो है ना इसका चौड़ा होना चाहिए, ठीक है। और चूजे का अगर हेल्दी होगा ना, तो वो चोंच अपनी बड़ी खूबसूरत तरीके से छुटवाएगा। जैसे ये देख रहे हो ना, खा रहे हैं, खाने खा रहे हैं, ये कुछ निशानी है भाई। मुझे नहीं पता, मैं आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन, कह सकते ना कि तोते की फार्मिंग में, लेकिन ये है कि कुछ चीज़ों को तो पता है ना, देख रहे हो माशाल्लाह से। जबकि इसके कंपेरिजन में कुछ दिखाता हूँ, ये मेल है, मुझे लगता है ये भी मेल है। गंजा कुंजा जो ना, इसकी देखो सबसे फ्रेश मेल ये है। अच्छा एक चीज़ बताऊँ आपको, ये जो तोते हैं ना, ये दो तोते जो हैं ये जंगल के उठाए हुए हैं, यानी कि दरख्त के जंगली हैं, और ये जो तीन है ना, ये होम ब्रीडिंग है। इसके पाँव पे कल लग गई थोड़ी सी, एक आध दिन में सेट हो जाएगी बेचारी, हमने हल्का सा तेल लगा दिया था। और ये वाला जो है ना, ये दोनों भी तीनों जो है ये होम ब्रीडिंग है, ये घर के ऊपर जो ब्रीड होती है उसके हैं। लेकिन मैंने नोट किया है, सबसे जो एक्टिव बच्चा है ना हमारा, वो ये वाला बच्चा है, सबसे एक्टिव ये वाला बच्चा है, सबको शोर करने वाला ये वाला बच्चा। ये इनसे छोटा है, लेकिन इसकी गर्दन सबसे लंबी हो जाती है, इतनी लंबी हो जाती है। तो ये वाला मैं सोच रहा था, मैं तो कंफर्म घर पे ही रखना है हमने ये वाला, और बाकी जो है ना ऐसा 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 करके हम इनको आपको अपडेट वगैरह देते रहेंगे। देख रहे हो ये मेल है, आप जानवर पाल लो, फिर आपके पास तो काम ही नहीं है, आप उन्हीं के पास बैठे उन्हीं के साथ खेलते रहो। तो चलिए हम जल्दी से निकलते हैं और दूसरे काम की तरफ चलते हैं। अच्छा भाई, अब रह गया आज का आखिरी काम, और वो है इन बेहाल चूज़ों का जो है ना थोड़ा बहुत काम शाम करना है। बेहाल चूज़े मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यार ये बेचारे, इनको रोज़ सोचता हूँ मैं शिफ्ट करूँगा, और रोज़ सोचता हूँ मैं कल शिफ्ट करूँगा। अगर ज़िंदगी रही ना, तो इंशाल्लाह ताला कल की तारीख में ये शिफ्ट हो जाएंगे। कल है 24 रमज़ान, तो आई होप कि इंशाल्लाह ताला कल ये शिफ्ट हो जाएंगे, अल्लाह ने चाहा। तो अभी का क्या प्लान है इनको बेहाल, मैं आपको बताता हूँ क्यों कह रहा हूँ। ये देख रहे हो ना, इनके पास पानी है और ना ही इनके पास दाना है। पानी दाना मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि इनको मरे हुए पता नहीं कब के पर पड़े हुए हैं। ये पर यार बहुत पुराने पड़े हुए हैं, ये पर आपको दिख रहे हैं ना, अगर ये 2-3 पर हैं, ये ताज़े नहीं हैं। मैं आपको इनकी हालत दिखाता हूँ, कितने पुराने ये, अरे देख लो क्या हालत हुई है। ये चूज़े हमने वहाँ पर जमा किए थे और इन्होंने जो है इनको निकाल के यहाँ पर लिया है। तो खैर इस बात को हम बाद में देखते हैं, अभी जो प्लान है वो इनको दाना पानी करते हैं जल्दी से, और दाना पानी करने के बाद बाकी की चीज़ें आपको ज़रा दिखाते हैं और अपडेट देते हैं, सही है। तो जल्दी जल्दी से दाना पानी करते हैं पहले इनका, और उसके बाद आपको आगे की अपडेट भी देते हैं, आगे की कहानी भी सुनाते हैं, और आज की इस वीडियो कर देते हैं एंड, ठीक है। अच्छा भाई, मौसम थोड़ा सा कल गर्म है, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इनको मैं थोड़ा वाइटल में सुधार ऐड कर दूँ, वाइटल से छोटा दिखा देता हूँ। साइलेंस में लिखा हुआ है यार, इसकी हालत देख लो भाई, परमासोल नाम है इसका, मैं आपको नाम लिखा हुआ कर देता हूँ क्लियर, क्योंकि मुझे मैसेज ना करें। तो परमासोल नाम है इसका बेसिकली, और इसका मैं 1 स्पून 1 लीटर में ऐड कर दूँगा पर 10 लीटर के अंदर। उसकी वजह सारी ये है कि अब गर्मी भी है, और बट ऐसे भी थोड़े से मुझे लग रहे हैं इसको वाइटामिन दे दिया जाए तो अच्छा है। तो उससे मैं थोड़ा सा होगा क्या फायदा कि चूज़े की थोड़ी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। येलो कलर में होते हैं तो हमारी वाइटामिन अगर आप लोगों ने देखे हों तो बस हल्के हल्के अच्छे से मिला के। कोई भी एंटीबायोटिक इनको नहीं यूज़ कर रहा, जबकि मुझे लग रहा है कि इनको यूज़ कर लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ बर्ड जो ना थोड़े से डाउन लग रहे थे मुझे, यहाँ पे नहीं जो दूसरे हमारी जगह पे मौजूद थे ना, वो थोड़े से डाउन लग रहे थे। तो कल कोशिश करके मैं देखता हूँ, अगर महसूस हुआ तो इनको सबको एंटीबायोटिक का कोर्स भी करा दूँगा। और देख लो कितने पैसे थे, कितना लंबा झमघुंटा लग गया, लग रहा है वैक्सीन हो रही है। मुझे लग रहा है पर्सनली कि शायद 2-3 घंटे से इनके पास पानी नहीं है, 2 घंटे से नहीं होगा, क्योंकि मगरिब से पहले तो इनके पास चक्कर लगाया था मैंने, और अभी का टाइम हो रहा है इनके जब तो दाना डालने आया था, और अभी का टाइम हो रहा है, अभी समझ लें कि ईशा भी नहीं हुई, अभी तो टाइम है थोड़ा सा, तो नहीं ईशा हो गई शायद, खैर मैं खुद भूल गया टाइम क्या था। लेकिन खैर अब जो है ना ये बड़े मुनासिब तरीके से तैयार हो रहे हैं। अच्छा देखिए, हमारा जो कोर्स है ना उसमें वैक्सीनेशन का और मेडिकेशन का बड़ा डिटेल सेक्शन है, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा। तो उसमें एक बंदे का हमेशा मुझ पर सवाल आता है कि यार एंटीबायोटिक का वो क्यों नहीं है चार्ट। एंटीबायोटिक का चार्ट नहीं होता, एंटीबायोटिक हम टाइम टू टाइम डिसाइड करते हैं हमने कौन सी देनी है, क्या देना है। मल्टीविटामिंस भी
टाइम टू टाइम डिसाइड करके सोचते हैं कि कौन से देने हैं कौन से नहीं देने हैं। ये तरीका नहीं होता कि हम पहले चार्ट बना लें कि आपको इस दिन बुखार होगा, इस दिन आपको खांसी होगी और इस दिन जो है ना आपके गले में दर्द होगा, तो ये दवाइयाँ आप खा लेना। एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट होता है, जबकि वैक्सीनेशन जो होती है वो प्रिवेंशन होती है। खैर आप कोर्स में वीडियोज़ देखेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा बहुत सारी चीज़ों का, और अगर नहीं देखी तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप बाय कर लें, आप बहुत सारी चीज़ें उसमें ईजिली सीख सकते हैं। तो चलें आगे की तरफ चलते हैं और आपको थोड़ी बहुत बची कुछ अपडेट देकर वीडियो करते हैं एंड। अच्छा भाई, दाना पानी हो गया इनका और आज की वीडियो भी समझ लिया एंड होने वाली है। आखिरी की दो तीन चीज़ें, उसके बाद इस वीडियो को भी हम एंड कर देंगे। तो अभी भाई देखिए, सिचुएशन ये है कि चूज़ा इक्वली अच्छा मुनासिब चल रहा है और बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, खूबसूरत तरीके से चल रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया कि आपको बस थोड़ी सी ख़राब आ रही हो, लेकिन इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम माइक भी बाय करने वाले हैं जिसके मैंने आपको अपडेट दिए। तो इंशाल्लाह ताला कल अगर ज़िंदगी रही तो फिर इसको वहाँ पे मैं पार्टीशन बना के शिफ्ट कर दूंगा, उसके बाद रूम को अच्छे से साफ़ करूंगा और जितना साफ़ हो सकेगा कर देंगे, उसके बाद हम सोचेंगे करना क्या है। मैं सोच रहा हूँ कि यार कलर अंदर से इतना ख़राब नहीं है, कलर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कलर करवाना यार थोड़ा लंबा काम है और फिर ज़रूरत नहीं है यहाँ पर कलर की। मैं कलर करूँगा फिर ख़राब हो जाएगा, क्योंकि जहर से बात है भट्टी जलती है तो कालक होती है। पर मैं सोच रहा था कि काम कर सकते हैं हम कि सिर्फ इतना इतना या तो पेंट कर देते हैं दीवार के ऊपर इतना इतना सा। उसका सारा फ़ायदा ये है कि दीवार जो है वो बेसिकली इतना भी हो जाता है ना, तो ये चोटे वोटे लगी हुई ना ये सब साफ़ हो जाएंगे। इतना कर दें, कंडीशन के हिसाब से डिसाइड करते हैं करना क्या। ऊपर का वॉश होगा तो समझ लो ऑलमोस्ट साफ़ हो जाएगा। मैंने आपको जैसे कि ये साफ़ करके दिखाया कि ऊपर का अगर वॉश होगा तो ऑलमोस्ट साफ़ हो जाएगा, जब ये थोड़ा सा उससे क्या कहते हैं किससे साफ़ होगा, अरे वाह कितना खूबसूरत हाथ हो गया, किससे साफ़ होगा, सर्फ से। जब भी थोड़ा सर्फ से साफ़ होगा तो इंशाल्लाह ही साफ़ हो जाएगा। और उसके बाद इस वीडियो को हम, यानी कि उसके बाद इस काम को हम अच्छे से कर सकते हैं। नया चूज़ा डिले करने का रीज़न यही है कि जगह भूत बंगला लग रही है ना, पहले इसको थोड़ा सा साफ़ सूफ कर दें और यहाँ पे तो ना कुछ अच्छा सा करते हैं। अच्छा, घर के बच्चे आते हैं ना वो भी चीज़ें लिखते रहते हैं और मुझे भी आदत हो गई है कि मैं भी कुछ तो कुछ यहाँ पर बनाते ही रहता हूँ, मजाक कर रहा हूँ। तो चले अंडे वाली मुर्गियों से हाय हेलो करते हैं, बहुत दिन हो गए उनका दीदार नहीं कराया मैंने आपको, उनका दीदार कराते हैं फिर आज की इस वीडियो कर देते हैं हम एंड। चले ओके सर। अच्छा भाई, बहुत सारे दिनों से ना आपको हमने यहाँ की अपडेट नहीं दी थी, इन केजीज की क्या सिचुएशन है। तो ये केजीज खाली पड़े हुए थे इसकी अपडेट नहीं दी थी। दो मुर्गियाँ थी, इनको मोल्डिंग पे रखा हुआ था हमने और अब जाके इनको थोड़ी सी फीड वगैरह देना शुरू करिए, तो अभी इनको जीरो की फीड दी है। आहिस्ता आहिस्ता इनकी तरफ हेल्थ भी थोड़ी चेंज होगी। अब इंशाल्लाह ताला कल मैंने आपको ऐसे बताया कि चूज़े शिफ्ट करने, तो उसके साथ एक काम और भी शिफ्ट करना है, वो करना है यहाँ पर मुर्गियाँ ला के रखनी है वाइट वाली सारी की सारी। तो केजी सारे साफ हो चुके हैं, साफ तो नहीं हुए खैर, लेकिन काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं हुए, तो अभी समझ लें कि 10 के करीब मुर्गियाँ आएंगी, दो इस केज में आएंगी और बाकी चार चार इस तरीके से ऊपर जाती रहेंगी। फिर वहाँ के एक प्रोडक्शन वगैरह कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि उन मुर्गियों को भी मैं काफ़ी टाइम से जीरो की फीड दे रहा हूँ, तो उससे वो भी देना काफ़ी हद तक रेस्ट पर है। ये देख रहे हैं उन्होंने पूरे के पूरे अपने बाल झाड़ लिए और अच्छे खासे झाड़ लिए, अजीब सी गंदी हो गई है, लेकिन आप देखेंगे अभी हम इसको फीड शुरू करेंगे ना तो ये किस तरीके से अपने बालों को रिकवर करेगी और आपके सामने सामने जो कहते हैं ना ये वापसी अपनी एक्चुअल पोजिशन पर आ जाएगी। ये चूज़ा एक टाइम से यहाँ पर है, अब ये यहीं पर ही रहता है, इसको भी इंशाल्लाह ताला कल शिफ्ट कर देंगे। मेरे हिसाब से एक महीना हो गया पुराने ब्लॉक का चूज़ा है और इसको हमने यहाँ पे बंद रखा था कि यहाँ से बाहर ना जाए ताकि जो है ना कोई वायरस ना हो, पर ये माशाल्लाह से यहीं रहता है, घूमता फिरता है और रात को यहीं पर ही आ जाता है। तो बस यार आज की इस वीडियो में यहीं पर एंड कर देते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आपने सिंपली लाइक कर देना है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर इस तरह की मजीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करेगा, साथ साथ अगर आप हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहते हैं तो हमारा पोल्ट्री फार्मिंग का कोर्स भी बाय कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब की फीस है, 2500 रुपीज़ हमारे कोर्स की एक्चुअल फीस है, जिसमें हमने ईच एंड एवरीथिंग सारी चीज़ें कहते हैं डिटेल के अंदर डिफाइन करी हुई है, और साथ साथ उस कोर्स में हमारी कंसल्टेशन भी मिलती है। और सबसे बड़ी मजेदार बात यह है कि भाई रमजान के अंदर ऑफर है, आपको वही कोर्स जो हमारा 4000 रुपये का था उसको हमने डिस्काउंट करके सेल आउट कर देते हैं, मजीद डिस्काउंट के साथ आपको पड़ेगा 2000 रुपये का। ये सिर्फ रमजान के ऑफर है, रमजान के बाद इसके रेट बढ़ जाएंगे, मैंने आपको जैसे कि बताया कि शायद 3000 रुपये हो जाए, शायद चांसेस हैं, तो बहुत गोल्डन ऑफर है, आप अवेल कर सकते हैं। मिलते हैं कल के एपिसोड में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।